वो होगा विनर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ इंडिया, अपने स्टेट बिहार में, और यहाँ पे आने के बाद ठीक ठाक लग रहा है। जाने के टाइम तो मैं दुखी था, लेकिन आने के टाइम और ज़्यादा दुखी था। तो इस तरह का कुछ सीन है। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आईफोन 15 प्रो से, वही वाले मोबाइल से जो मोबाइल मैं वहाँ से लेके आया। ये मोबाइल जब इंडिया पहुँचा तो इसका कीमत उतना ही हो गया जितना कीमत इसके इंडिया में है, क्योंकि कस्टम वालों ने मुझे पकड़ा और आईफोन के लिए 20,000 रुपया चार्ज किया। वो तो आप लोगों ने देखा। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ, क्योंकि आपके मोबाइल पे ना कोई टैक्स वगैरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका ना फ़ोन सील्ड नहीं था, मतलब बॉक्स में नहीं था। मैं तो इसको यूज़ कर रहा था ना, तो मतलब यूजिंग कंडीशन वाले मोबाइल्स में ना कोई कस्टम वगैरह कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो मैंने तो दे दिया, क्योंकि अगर देता नहीं तो वो लोग शायद मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये रीज़न है मैंने दे दिया। और एक बार आप लोग कमेंट कर बताना कि इस मोबाइल से वीडियो में कुछ थोड़ा चेंज आया है या फिर ऑडियो क्वालिटी में। मुझे तो लग रहा है कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा एनहेंस हुआ है, बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कमेंट करके बता देना। घर पे आने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा बदलाव नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चेंजेस मुझे दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इतना सारा गेंदे का फूल है। बाकी यहाँ पे आने के बाद वही पुरानी चीज़ें, पुराना दिन, एक ही घर में रहना और यहीं पे सब कुछ करना, और साथ ही साथ यहाँ का ही वीडियो बना के आपको दिखाना, वही सारा सिस्टम आज वापस से शुरू हो रहा है। मतलब ये तो कल से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब से आप आदत डाल लो। लेकिन अभी थोड़े दिनों बाद ना मैं सिंगापुर भी जाने वाला हूँ अंकल आंटी के साथ, तो वहाँ पे अभी नेक्स्ट लेवल फन करेंगे। तो यहाँ पे आते आते ही ना अभी इस लड़के ने कुछ तो सरप्राइज़ प्लान किया है। मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि 2 रुपये के डब्बे में कितना ही बड़ा कुछ हो सकता है। 1800 का डब्बा है ये। 1800 का डब्बा नहीं, 1800 का कंबल है, उस कंबल का डब्बा है ये। तो चीज हर जगह तो आसानी से मिलती नहीं है, चीज कार्टून भी हर जगह से नहीं, बहुत मेहनत करके ये हम तुम लोगों के लिए स्पेशली तैयार कर रहे हैं। ओके ओके, लेट्स सी दो व्हाट्स इन द बॉक्स। आई हैव अ मिस्ट्री बॉक्स एंड फर्स्ट आई वांट यू गाइस टू गेस व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। इनसाइड दिस कुड बी अ ब्रिक, गोबर, अ वुड, ओके, काउ डंग। स्टॉप, योर इमेजिनेशन इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। यू गेस व्हाट इज इनसाइड। व्हाट इज It could be something like a very fairy tale kind of dress for you. जल्दी दिखाओ। तो जिसकी भी नियत खराब होगी, जो मेरे प्रति नफरत रखता है, उसको मैं ये गिफ्ट दूंगी, लेकिन टिकेगा नहीं। स्पेशल बाबा से पूजा करवा के मैंने इसको यहाँ पे स्थापित करवाया है। ठीक है, दिखाओ। अब मैं एक्साइटेड हो गया। तो तुम पे और गिन्नी पे हम ये जिम्मेवारी छोड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से हटूंगी, अंदर जो भी चीज है उसको पता चल जाएगा कि कनेक्शन मेरे से खत्म हो गया है। अब कोई पापी हाथ अगर हाथ लगाया, इतना फिल्मी मत बनो, दिखाओ जल्दी। जरूरी थोड़ी ना है कि शिवम का हाथ लगेगा या फिर गिन्नी का हाथ लगेगा, तो इन दोनों में से कोई ना कोई पापी ही होगा जो हाथ लगाएगा। जो पापी होगा उसको वो गिफ्ट दिखेगा ही नहीं, और जो पुण्य होगा उसके पास वो गिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक, चलो रिवील कर दो। तुम्हारे पास तो आ जाएगा ना। मेरे पास क्यों, मैंने तुम लोगों को दिया है। चलो भाई देख लीजिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बात हो गई। कैमरा मैन नहीं भागेगा, कैमरा मैन का फोकस बिल्ली पे ही रहेगा। कैमरा मैन नहीं भागेगा, बिल्ली ये रही, ये रही बिल्ली, बिल्ली 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 ये रही, ये रही बिल्ली। छोड़ दो, यही रह जाएगी यार, छोड़ दो। बिल्ली ऊपर चढ़ गई इतने से कोने में। हाँ, मेरे कपड़े बैग के और डंडे के जगह में जो स्पेस है उसमें घुस गई बिल्ली। तो इसी के साथ साबित हो गया कि गिन्नी भी मुझसे प्यार नहीं करती है। अभी तक तो मुझे लगा था कि सिर्फ शिवम ही मुझसे प्यार नहीं करता है। जाके देखो मेरे रूम में दोनों के दोनों मस्त ऐश कर रहे हैं। दोनों आई बड़ा। और इसका ना देने का नियत ठीक नहीं था, वरना ये अच्छे से पकड़ के बता के देती, लेकिन तुम्हारा नियत खराब होने के बाद भी वो लोग मेरे पास आए। आई बस देखो, बच्चे हैं बेचारे, अपनी माँ के साथ ऐश मौज करेंगे। मैंने सोचा कि इसी बहाने में तुम लोगों को कुछ सुना भी दूंगी, और बिल्ली भी नहीं। अब ये बच्चे ना, पता है क्या हमारे यहाँ पे कहते हैं कि सात घर घुमाती है इसकी माँ,
तो कहीं घुमाने उमाने नहीं लेके गई, ठंड है यहीं छोड़ दी, और मस्त ये बच्चे हमारे घर पे ऐश कर रहे हैं। भाई 7-8 दिनों से जीना हराम है, रात को यूट्यूब और पांडा भोंकने लग जाते हैं यार इनको देख करके, ये लोग आ जाते हैं आंगन में घूमते घूमते। यार ये मैं मलेशिया जाने से पहले ही ऑर्डर कर दिया था, जब मैं मलेशिया में था तभी आ भी गया ये, लेकिन अभी तक आपको ये वीडियो में नजर नहीं आया होगा। अब मैं इससे अभी ना हम लोग इसके मदद से लकड़ी काटने वाले हैं, और इससे ना लकड़ी काटना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और हम लोग हमेशा भाई कुल्हाड़ी से काटने वाले लोग हैं। इस बार इसको देखिए, यहाँ से काट सकते हैं ना, और आगे से काटो ना, और आगे से काटो, ये रुक 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 रुको, नहीं यार पैर देख मेरा, अरे वो पैर पे जाएगा ही, अरे नीचे देख एक बार, आगे नीचे देख, क्या पूरा देख, इधर साफ कर दिया ये हवा चला के। सुनो, ये नीचे से फैन लगा हुआ है ना वहाँ पे मोटर में, निकाल दो मशीन, बंद कर दो, कभी भी उसमें लगा के, मशीन निकलता नहीं है, निकालना पड़ेगा, चालू कर दो। नहीं नहीं सुनो, उसके अंदर कभी भी लगा के ऑन मत करना। खराब करेगा, पागल वागल है क्या, उल्टा नहीं चलेगा ये, यही हम नहीं बताने वाले थे तुमको कि ये उल्टा कहाँ चल रहा है, सीधा ही तो था। अरे तो ये नीचे से ऊपर नहीं चलेगा, जब भी चलेगा ऊपर से नीचे चलेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सब चलता है। मंगल के साथ कांड हो गया था, मंगल कर रहा था लकड़ी गिरा भम। ये नया खिलाड़ी है, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ इसका, शिवम ट्रेनर है भाई। ये जो मशीन आप लोग देखते हैं हाईवे के किनारे में लोग जो काम करते हैं, वो शिवम के पास से ही तो ट्रेनिंग लेके जाते हैं, ये मशीन चलाते हैं। चलो चौकी पलंग ये सब बनाया जाए लोगों के, कुर्सी पलंग बढ़ाई बन जाए, बन जाते हैं, क्या दिक्कत है। विच पांडे बढ़ाई, यस पांडे बढ़ाई, वाह गिंदी, क्या नाम दिया इस लड़की ने। भाई ये मशीन बस काट सकता है गोल गोल, ठीक है ना, ये सब वो शेप वगैरह नहीं दे सकता। अरे बाबरे, पिलर में चारों तरफ ऐसे लगाओ, गोल गोल काटेगा, लंबाई से नहीं काटेगा, चौकोर बन जाएगा, जितना साइज काटना उतना काटो, पागल कहीं का बुद्धि है। बरोबर और ऐसे लगा करके ऐसे ऐसे भी काटोगा, ऐसे ऐसे चलाएगा मशीन तो पटरा भी बनेगा, ऊपर से चलाएगा तो पटरा बनेगा, सब बनेगा। सारी पूजा दी देखो ना, यहाँ काटने जाती है तो बेचारी का हाथ अपने आप यहाँ पहुँच जाता है एकदम। क्या कब किए हम ये काम, तुमसे सब्जी ढंग से कटता नहीं है, अरे तुम लकड़ी काटोगी। तो मेरे हाथ में ये 4 सर्कल है, ये ना वुडन है, ये लकड़ी का है, इसको अभी अभी हम लोगों ने काट के तैयार किया है, और पागल है पूरा गंदा कर दिया यार। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस ये हम चारों के लिए एक एक है, तो हम चारों एक गेम खेलने वाले हैं, और गेम में करना क्या है, इस लकड़ी को दांत में ऐसे पकड़ के और एक जगह पे खड़े होके दूर फेंकना है, जिसका लकड़ी सबसे ज्यादा दूर जाएगा वो होगा विनर, और जिसका सबसे नजदीक रहेगा वो होगा लूजर। चलो वहां से फेंकना है उस चक्कर के अंदर से। कमेंटेटर स्टार्ट करेगी तब तो? कमेंटेटर नहीं स्टार्ट करेगी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आ जाओ पूजा भाई, परफॉर्म करो। हां गेट सेट, हां गो। आ यही तक भाई, हम कहां, ठीक है, हां लाओ चीना दो, खाचा दो। नहीं तुम हम लास्ट में, हम लास्ट में की तरह फेंक दिया इसको। हम लोगों को दोबारा चांस लेना चाहिए, बैंक मेरा यहाँ पे, मैं भी करूंगी, ठीक है, हाँ तीनों का होगा, है ना, नहीं वो वाला मेरा, वो वाला मेरा है, ये वाला पूजा का, ये वाला पूजा का है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पी, यहाँ पे लिख देता हूँ जी, लिखो वहाँ पे जी, वहाँ पे जी लिखो, और वहाँ पे एस लिखो, तू लिख, अरे बस इन दोनों में ही है शिवम, हम दोनों चीटिंग थोड़ी ना करेंगे यार। अरे साला तू, ठीक है, बाप रे बाप, चोरों का सरदार। चलो भाई हम लोग ने कर लिया है, मतलब हम तीनों ने कर लिया है, अब है मंगल की बारी, अभी नहीं तो कर लेंगे। जो वर्ल्ड क्लास चोरों की ट्रेनिंग देता हो गुरु, वो कह रहा है कि हम चीटिंग नहीं करेंगे। चलो अब मंगल की बारी, लेट्स सी हु विंस। अरे
अरे माथा ही निकल जाएगा यार। अबे अबे रुक जा, मंगल फिर भी लास्ट नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, बात लास्ट नहीं है, चश्मा की वजह से दिक्कत हुआ। देखो चश्मा की वजह से दिक्कत हुआ। अबे लास्ट नहीं है तो क्या है? भाई लास्ट है। नहीं नहीं पागल हो क्या, इतने लूजर हैं हम, इतने बड़े नहीं है यार, इतने बड़े लूजर नहीं हो सकते हम। तो चश्मा हटा लो यार। ये देखा आप लोगों ने, अगर मंगल को मौका मिलेगा तो मुझे भी मौका चाहिए। ठीक है, तुमको भी मौका मिलेगा। अब रुक जा, क्या कर सकते हैं, लोग बेईमानी कर रहे हैं तो मौका तो देना पड़ेगा ना। रुक जा, आओ पहले कैमरा तुम्हारी तरफ लाने दो। हाँ चलो ना, गो। चल भाई चल। ये चलो, मंगल ने दो मौका लिया है, उसके बावजूद भी ये तीसरा आ गया है। ये क्या है, पेंसिल? ये वाला नहीं पेंसिल? आ रही मंगल, मेरे ख्याल से दूसरा है पूजा का। अच्छा वो रहा पूजा का ना। हाँ सेकंड है, फर्स्ट में। चलो अब ये बात गिनी दोबारा से ट्राई करना चाहती है। इसका गला बेईमानी करता है। अबे इसका गला लगा लंबा है यार, इसका गर्दन लंबा है, इस वजह से ये उतना दूर फेंक पाया है। बर्फ वाले में भी बेईमानी किया था, हम लोग बर्फ पे बैठ के हमारा पिछवाड़ा हो गया था ठंडा, और ये लड़का टाइल्स के सहारे बैठा था। ये हल्का वाला कोई भी लो ना यार, कुछ भी कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात वो नहीं, फर्क का नहीं है। हमने शुरू हमको लगाना है कि दूर से ना इसके अंदर वो फेंकना है, जबरदस्ती में लगाया जा रहा है। रुकोगे नहीं? रुक जाओ, ऐसे नहीं रुको। चलो भाई वीडियो बंद करके देख, इस लड़की ने क्या बेईमानी किया है, ऐसे कर ऐसे फेंक रही है, इसका मतलब क्या है? Once more. अब नहीं, क्या मजाक चल रहा है क्या? रुको, तुम लोग गेम को साला खाली खराब कर देते हो यार। चलो मिट्टी फंस गया होगा, फेंको अब वापस से। पूजा को बीट कर दिया। अब तू अगर इसमें पूजा को बीट करके खुश हो रही हो, पूजा को अगर एक और मौका दिया जाए तो इसको भी बीट कर देगी। को दिखाता हूँ, यहाँ पे है तुम्हारा वाला, ठीक है? हाँ। पूजा लो, दिखा दो जलवा अपना, फिर से एक मौका को दिखाओ। 10 मौका लेके तो साला मैं ही यूसेन बोल्ट बन जाऊंगा। कर दिया ना बीट? कहाँ कर दिया? क्या लो कर दिया भाई, बीट कर दिया। कुछ भी आगे है तुमसे, बहुत आगे है। मैंने ऐसे फेंका है। नहीं ऐसा कर, ऐसे तीन मार, ऐसे मार, ऐसे तीन चार बार थोड़ी होता है। ऐसे मारेगी तो शिवम भी पीछे हो जाएगा। गेम में तो एक ही बार होता है ना भाई, एक ही बार में लूजर या विनर डिसाइड होता है। तो ये गेम का विनर हूँ मैं, खुद मैं, और सेकंड है मंगल। सेकंड नहीं मंगल यार, सेकंड मैं, पूजा है ये भाई, सेकंड नाम है। और थर्ड मेरा पहिया यहाँ पे था, थर्ड गिन्नी है और फोर्थ है मंगल। सेकंड थे हम, बकवास मत करो। नहीं, नहीं, अगर पहले मैच से देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो दूसरा मंगल को चांस मिला है और वो शायद जेन्युइन चांस था, क्योंकि चश्मा इसका अड़ गया था यहाँ पे, तो इसी कारण से सेकंड मंगल है, होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए पता नहीं। मतलब उस वो लड़का हर बार कुछ ना कुछ कांड करके सेकंड चांस लेता है। भाई मेरे को लगा ना कि मेरे आंख से चश्मा निकल के गया और मैं इस हड़बड़ी में ना लकड़ी को छोड़ दिया, तो लकड़ी दूर गया ही नहीं, मुझे लगा कि चश्मा ही गिर गया। एक यह भाई बहुत गलत बोल रहा है, क्योंकि ये ना कांड मिली सेकंड का था, तो इसमें तो ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। चलो इसको फेंक के देखते हैं। चप्पो चांस लेने के लिए कोई कुछ भी ला, देखो तुमसे ज्यादा दूर हम फेंक देंगे। चल ठीक है, देखते हैं कितना दूर तक जाएगा। नहीं दबा दे पैर पूरा। हाँ मार, चल फेंक, लेकिन बल पे लग सकता है, बल्ब पे। नीचे कैमरा रखना शिवम, क्या पता है। ओए यार ये लड़का क्या पागल आदमी है। पागल छोड़ो, पेड़ में अटक गया वो, देख रही हो, रुद्राक्ष के पेड़ में अटक गया। ये देखो ना स्लिप कर गया वाह। अरे बाप रे, इसका टांग जला के, क्या सच में जला था? तो बम आकर के मारा था, बता तो रही हूँ, रॉकेट। बाप रे इसका टांग देखो जला हुआ है, स्लिप भी कर गया। अब इसका नाखून टूट गया, अच्छा खासा स्लिप किया, फेंका टॉप से और लगा बॉटम पे, वाह। ये तो मेरे मुंह पे भी लग सकता था, ये जो किया है नहीं करना है दोबारा भाई, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे आसपास में। मत करे मंगल, मत कर यार, ये रिस्की है, अभी हमारा टाइम खराब चल रहा है। देखो देखो इस पागल को, या सक्सेसफुल लैंडिंग हो गया। नहीं नहीं देखो देखो ये वाला जो इसने फेंका है ना पेड़ पे, ये देखो कहाँ पे अटका हुआ है, ये अटका है क्या ऊपर, ये देखो यहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ पे कैमरे में देख लो तुम, बीच में देखो रुद्राक्ष पे, वहाँ पे अटका हुआ है, दो कोने के बीच में, देखा? जिंदा मुर्दा इंसान थोड़ी है जो जिंदा मुर्दा होगा भाई, इसको उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये टकले पे गिरेगा, जिसका काम तमाम कर देगा ये। हाँ ऐसा होता है कि पहले जाके पेड़ पे कुछ पत्थर वगैरह डंडा अटक जाता है और हवा में गिर जाता है, तो कभी कभी किसी के माथे पे भी गिर जाता है। जो पुराने लोग हैं ना उन लोगों को याद होगा, जब हम लोग उधर बैर तोड़ रहे थे तो बैर के ऊपर से बड़ा सा डंडा गिर गया था मेरे ऊपर। गेम खेलने के बाद देखो वापिस ये बंदा लकड़ी काटने में लग गया,
और ये मशीन मंगवाने का हमारा तात्पर्य ये था कि ठंड में जब हम लोग लकड़ी लगाए ना, जब आग जलाएं, तो हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े लकड़ी काटने के लिए। लेकिन ना इस वाले मशीन से थोड़ा सा पंगा ये हो रहा है कि लकड़ी गोल गोल तो कट जा रहा है, लेकिन लंबा लंबा काटने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है। देखो एक बात बताओ, कौन सा वाला घूम रहा है पार्ट? ये देखो क्या घूम रहा है इसमें। इसमें जो घूम रहा है ना, वो ये ऊपर का जो चेन है, हाथ मत लगाना, ये जो ऊपर का चेन है ये घूम रहा है, ये ऊपर। हाँ, ऊपर वाला, ये वाला। ये देखो यहाँ पे है ना, ये बीच में जो आई बेल लिखा हुआ है ये ऐसे ही रह रहा है, ये वाला घूम रहा है। बाप रे बाप, मैं डर गया, कैसे दिख रही है ये मुझे। बे मलेशिया में तो मैं वैसे ही डर गया था, एक बिल्ली मुझे ऐसे ही घूर रही थी, बल्कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से। अभी मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया मैं फट गया भाई। क्या बे भाग गया से, डरा मत। ऐसा लगता है पूजा ने जो बिल्ली को पकड़ा है ना बच्चे को, वो इसी का बच्चा है। बच्चे को पकड़ के रखना गलत बात, माँ उसकी ढूंढ रही है उसको यार। हाँ ये वही बिल्ली है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, होपफुली आपको आज का गेम पसंद आया होगा। सो इसी तरीके से अभी हम आपसे डेली मिलते रहेंगे यहीं से, और हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब, क्योंकि हमें 1 मिलियन का सफर तय करना है और उसके बाद 1 मिलियन से आगे का भी। तो आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ, ये वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।